अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, पाकिस्तान नेवी में एसजी कमांडोज की भर्ती का आगाज़ हो चुका है। मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए और उसके बाद आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। इस वीडियो में मुकम्मल तफसील मौजूद है अगर आप पाकिस्तान नेवी में एज ए कमांडो एसजी कमांडो जाना चाहते हैं। वीडियो की मुकम्मल तफसील आपने आखिर तक देखनी है और बाद में मैं आपको बताऊँगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है, एसजी कमांडो के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ऐसी जॉब्स के मुतालिक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ बनी हुई बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें ताकि जब भी मैं जॉब्स के मुतालिक वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट है, joinpaknavy.gov.pk। यहां पर आप आएंगे तो नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो यहां पर क्राइटेरिया शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC 2022, यहां पर क्लिक करके आप क्राइटेरिया पर जा सकते हैं। इसमें बहुत सारी और भी वैकेंसीज आई हैं जिनमें आप शॉर्ट सर्वे कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है न्यूज़पेपर में तो नहीं आया, लेकिन वेबसाइट पे जो है ये शो हो रहा है, ये वैकेंसी शो हो रही है। एडवर्टाइजमेंट भी एक दो दिन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने जब क्लिक करना है तो आपके सामने जो है वो तमाम वैकेंसीज की जो तफसील है वो आपके सामने इस तरह आ जाएगी। ये जॉइन पाकिस्तान एली थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स 2022A, तमाम तफसीलात यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो भी वैकेंसीज हैं यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर ऑपरेशन ब्रांच में जो है मरीन्स, एविएशन और SG नेविगेशन जो है इसका दिया गया, जिन जो कमांडो हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। इसकी जो मुकम्मल तफसील आपको बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे ब्रांचेस पे आप आएंगे तो ब्रांचेस पे आप देख सकते हैं कि तमाम ब्रांचेस की ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका यहाँ पे बताया गया है कि जिस ब्रांच में आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये वैकेंसीज जो है पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट पे अनाउंस हो चुकी हैं, एडवर्टाइजमेंट में अभी तक नहीं आए। इनकी रजिस्ट्रेशन जो है अभी स्टार्ट है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जो भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑपरेशनल ब्रांच SSG के लिए यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इनकी मुकम्मल जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पे आपके सामने शो होके आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो शो होके आ गया है। तो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको मैं बताता हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके क्या क्या जो रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो है सिटीजन, मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आपको होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आपकी जो एज है अप टू 26 ईयर्स होनी चाहिए जो कि 1/7/2022 को पूरी हो। उसके बाद आपकी जो हाइट है 5'4" होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पे ग्रेजुएशन रखी गई है विद मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और इसके इक्विवेलेंट कोई आपकी क्वालिफिकेशन है, अगर आपने कोई और क्वालिफिकेशन की है जो कि BA के बराबर हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। रैंक आपको जो मिलेगा वो सब लेफ्टिनेंट का मिलेगा जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको बता चलूं कि जिस तरह पाकिस्तान आर्मी के SSG कमांडोज होते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के होते हैं, इस तरह पाकिस्तान नेवी की भी SSG कमांडोज होते हैं। इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अभी यहाँ पे आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपने ऑपरेशनल ब्रांच में SSG लिख दिया है। उसके बाद आपने सर्विस कैंडिडेट्स हैं, पहले आप किसी सर्विस में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, अदरवाइज आपने सिविलियन पे टिक करना है। यहाँ पर आपने अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो आपने लिखनी है, मैट्रिक साइंस, आपने टोटल मार्क्स कितने हैं, उसके मार्क्स कितने हासिल किए हैं मैट्रिक में और टोटल मार्क्स में से कितने हासिल किए हैं। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिख देनी है, FSC आपने जो की हुई है FSC के बारे में तमाम डिटेल यहाँ पे दे देनी है। और उसके बाद यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन के दिए गए, चूंकि ये जो वैकेंसीज हैं ग्रेजुएशन के लेवल की हैं तो आपने ग्रेजुएशन की तमाम तफसीलात भी यहाँ पे सही तरीके से दे देनी है। उसके बाद आपने फुल नाम नेम लिखना है, उसके बाद आपने CNSC लिखना है, उसके बाद यहाँ पे जो है फादर नेम लिखना है, फादर का CNSC लिखना है, जेंडर आपने लिखनी है मेल और फीमेल जो भी है आप, लेकिन यहाँ पे मेल ही अप्लाई कर रहे हैं तो आपने मेल यहाँ पे लिखना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने डालनी है, हाइट आपने सही तरीके से लिखनी है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या विडो हैं, जो भी आप हैं आपने यहाँ पे टिक लगा देनी है। रिलीजन आपका कौन सा है, सेक्ट आपका कौन सा है, फिरका आपका कौन सा है, आप देहात से हैं या गाँव से हैं, रूरल एरिया से हैं या अर्बन से हैं, वो आपने यहाँ पे टिक कर देनी है। प्रोविंस आपका कौन सा है, क्योंकि ये जॉब जो है पूरे पाकिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं तो आपने प्रोविंस यहाँ पे लाजमी लिखना है, और डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट आपने लिखना है। यहां पे एड्रेस आपने सही तरीके से लिखना है, सही तरीके से लिखेंगे उसके बाद ही आपके जो है जो कॉल लेटर है आपके एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा। मोबाइल नंबर भी आपने लिखना है, इस पे आप वो SMS करेंगे टेस्ट के लिए और बाकी जो इंफॉर्मेशन उन्होंने देनी हो वो आपको यहां पे बताई दी जाएगी। अगर आपका अल्टरनेटिव टेलीफोन नंबर है वो भी लिख सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं, और सिलेक्शन सेंटर यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है जो भी आपको नज़दीक पड़ता है, और आपने सबमिट फॉर्म कर देना है। जब सबमिट फॉर्म आप करेंगे तो उसके बाद आपके सामने जो है आपके तमाम जो है
इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और यहाँ पे आपके जो टेस्ट डेट है, टेस्ट वेन्यू और तमाम तफसीलात वहाँ पे आ जाएगी। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं पाकिस्तान नेवी में, तो इस पे वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। जो बाकी जो इंफॉर्मेशन है, जो बाकी तरीक़ार है, वो सेम है। यहाँ पर सिर्फ आपने जो है अपनी ब्रांच है, जो जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। बाकी जो अप्लाई करने का तरीक़ार है, वो सेम है। इस प्रोसेस के लिए एक वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पर, आप वो देख सकते हैं। वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग से जा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।